हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ रिगार्डिंग कनाडा में कैसे होता है। दोस्तों जैसे देखिए, आज यहाँ पे छुट्टी है, आज मंडे है, ऑफिशियल हॉलीडे है आज। और हम लोग लंच करने के बाद थोड़ा सा घर पे बोर हो रहे थे हम लोग, तो मेरी वाइफ ने बोली चलो कहीं से घूम के आते हैं, लाइक यू नो सामने आसपास कहीं पे चलते हैं। तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े। हम लोग हैलीफैक्स में है, और मैंने इसके पहले आप लोगों को ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि हैलीफैक्स ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको चारों तरफ बस ग्रीनरीज ही ग्रीन मिलेगा, चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी मिलेगा, सी बीच मिलेगा। तो लाइक यू नो, अगर आपको नेचर पसंद है देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि नेचर के अंदर 80% ऑफ टाइम यू लाइक नो यू विल स्पेंड विद योर फैमिली, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। देखो दोस्तों, अभी मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ, ये इस रास्ते में हम लोग इसके पहले कभी नहीं आए थे। ये थोड़ा सा नोवस मतलब हैलीफैक्स से हम लोग और ईस्ट में जा रहे हैं। एक छोटा सा एक टाइनी विलेज है, एक छोटा सा रूरल कम्युनिटी है, तो उधर हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा शायद मैं शायद थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगा, मेरे बच्चे थोड़ा सा हॉट चॉकलेट लेंगे, और उसके बाद शायद हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल से सबका स्कूल फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, मेरी वाइफ की ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम तो हम लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो रास्ता है, रास्ता मुझे ड्राइव करके इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। चारों तरफ कुछ नहीं है, बस दोनों तरफ फॉरेस्ट है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे मूज का सिग्नल दिया हुआ है कि यहाँ पे मूज या डियर मिल सकता है। और ये हैलीफैक्स से काफ़ी सामने है, मतलब मैं शायद अभी तक 50 किलोमीटर ड्राइव किया हो। देखिए इधर कितना एक छोटा सा वैली है, वाओ कितना बढ़िया जगह है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो मेरे पीछे ट्रक आ रहे हैं, तो मैं शायद यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगा। लेकिन देखो दोस्तों, अगर आप कनाडा आते हो, अगर आप हैलीफैक्स आते हो, और अगर आप किसी सैटरडे संडे अगर आप बोरिंग होते हो घर पे, देन आप यहाँ पे आके कितना एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। मैं जब कलकत्ता में था, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग सैटरडे संडे को अगर कहीं पे जाना चाहते थे तो पहले से हम लोगों को प्लान करना होता था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पे इतना लाइक यू नो इतना भीड़ भाड़ होता है, वहाँ का वेदर भी ऐसा होता है कि अगर आप पहले से अगर प्लान नहीं करते हो तो आप अच्छे से आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको आपका मन हुआ कि आप थोड़ा सा घूमने निकलोगे फैमिली को, फैमिली के साथ आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो तो आप आ जाओ, और आप बस निकल पड़ो रास्ते पे। लाइक नो अगर आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, और आपकी गाड़ी में बस गैस होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में गैस है देन यू आर ऑल गुड। और ये जगह देखिए, लाइक यू नो चलते चलते हम लोग एक छोटा सा वैली मिला, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों वैली देख के। तो मैं थोड़ा सा बाहर आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक जो जगह है। देखिए चारों तरफ ग्रीनरीज है दोस्तों, अगर आपको ग्रीनरीज पसंद है देन दिस इज द प्लेस। और मैं शहर से कितना दूर आया, मैं 20 मिनट शायद ड्राइव किया, 15-20 मिनट ही मैं ड्राइव किया हैलीफैक्स से। और देखो मैं कहाँ पे आ गया मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा एक वैली है। चारों तरफ देखिए बस ग्रीनरीज है, और वेदर पूरा मक्खन जैसा वेदर है दोस्तों। आज जनवरी है 2023, लेकिन उतना ठंडा नहीं है, और यू कैन एंजॉय आउटडोर। बस अपना अपने फैमिली के साथ निकल पड़ो, और आप थोड़ा सा कॉफ़ी पियो, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के आप खाना खाओ, और अपने बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉज ऑफ लिविंग इन हैलीफैक्स। यू नो कभी भी आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, टोरंटो में भी कर सकते हो, लेकिन टोरंटो में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है दोस्तों। सिटी से बाहर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक घंटा शायद लग जाता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। ओंटारियो भी बहुत खूबसूरत प्रोविंस है, काफ़ी सारा कंट्री साइड है वहाँ पे जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और हैलीफैक्स में तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हैलीफैक्स में ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, इंडस्ट्री थोड़ा सा कम है, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, और कोस्टल एरिया है, चारों तरफ अटलांटिक ओशन है, और ऐसे छोटा छोटा पहाड़ छोटा छोटा वैली है। तो बस आप आओ, आप इंजॉय करो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। सो एनीवे, छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ का फीलिंग्स
अगर आप कनाडा आते हो, स्पेशली अगर आप हैलिफैक्स आते हो, आप कैसे अपना लाइफ लीड कर सकते हो, आप कैसे लाइफ एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों देखो, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिंदगी जीने के लिए या जिंदगी का मजा लेने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों आप जो भी कमाओगे यहाँ पे आके, ये मैंने इसके पहले भी एक वीडियो दिया कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जो भी पैसा कमाते हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, सबका इक्वल रिस्पेक्ट है। और आप जो भी कमाओगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग या इन्फ्लेशन सब कुछ कंट्रोल में है, तो आप यहाँ पे आके आप अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आप सैटरडे संडे या हॉलीडेज वीकेंड आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ घूमने, आप जो चाहे करो। आपको यहाँ पे कोई लाइक नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा, आपको वीकेंड में काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे लाइक नो क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इसी को बोलते हैं। दोस्तों आप आओ यहाँ पे, एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एनीवे थोड़ा सा ये वीडियो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ कि अगर आप हैलिफैक्स अगर आते हो तो दिस इज ऑल्सो यू कैन लाइक नो एक्सपेक्ट। ये तो एक छोटा सा, मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ना जाने कितनी सारी जगह है, आप शायद इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे घूम घूम के। तो नहीं भाई, आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, मैं ऐसे और भी बहुत सारी जगह पे मैं जाने वाला हूँ और सभी वीडियोस में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ताकि जब आप कनाडा आओगे आप पूरा प्रिपेयर होके आओ और आपका मेंटल सेटअप पूरा बन जाए कि कनाडा आने के बाद आपका लाइफ क्या हो सकता है, आप कैसे लाइफ एंजॉय कर सकते हो विद योर फैमिली। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई चैनल, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।